नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। टीम इंडिया के पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भले ही इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हों, लेकिन दुनिया भर में फैले उनके फैंस की तादाद कहीं से भी कम नहीं हुई है। 2019 वर्ल्ड कप के बाद से उन्होंने कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेला। हालांकि वो आईपीएल में जरूर खेल रहे हैं, फिर भी उनकी फैन फॉलोइंग में ऐसा लगता है मानो लगातार बढ़ोतरी ही हो रही है। अपने 16 साल के इंटरनेशनल करियर में धोनी ने अपने फैंस को मुस्कुराने के न जाने अनगिनत मौके दिए। साल 2007 में T20 वर्ल्ड कप में जीत, 2011 वर्ल्ड कप के फाइनल में विजयी छक्के के साथ इतिहास रचना और फिर 2013 में पहली बार देश को चैंपियंस ट्रॉफी जिताना। धोनी दुनिया के एकमात्र कप्तान हैं जिन्होंने ICC के तीनों ही खिताब अपने नाम किए हैं। हालांकि अब धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है और सिर्फ IPL ही खेलते हैं। इसके अलावा बाकी समय अपने परिवार के साथ बिताते हैं। 15 अगस्त 2020 को अचानक से उन्होंने संन्यास का ऐलान इंटरनेशनल क्रिकेट से कर दिया था। आपको बता दें, लेकिन धोनी के फैन फॉलोइंग में इन दिनों लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है और कई अजीबो गरीब फैन इस दौरान धोनी के सामने आ जाते हैं। आपको बता दें, अजय गिल नाम का एक ऐसा ही फैन धोनी से मिलने के लिए हरियाणा से झारखंड तक पैदल ही पहुंच गया। हरियाणा से झारखंड पहुंचे अजय गिल धोनी से एक बार मिलना चाहते थे और यही सोचकर उन्होंने 29 जुलाई को अपना घर छोड़ दिया था और 16 दिनों में 1400 किलोमीटर पैदल सफर तय करते हुए रांची स्थित धोनी के घर पहुंच गए। हरियाणा के एक सैलून में काम करने वाले अजय ने मीडिया को बताया कि धोनी से मिलकर ही घर लौटूंगा। अजय ने आगे बताया, वो चाहते हैं कि उनके साथ धोनी सिर्फ 10 मिनट बिता लें क्योंकि वो बहुत दूर से आए हैं, वो भी पैदल चलकर। बहरहाल जब अजय रांची पहुंचे तब तक धोनी UAE के लिए रवाना हो चुके थे। IPL 2021 के दूसरे चरण के लिए तमाम टीमें UAE पहुंच रही हैं और इसी क्रम में चेन्नई की टीम भी UAE के लिए रवाना हो गई। अजय ने मीडिया से ये भी बताया कि उनका सपना भी क्रिकेटर बनने का था, लेकिन पिछले साल धोनी ने जब इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया तो उन्होंने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया। अब वो धोनी का आशीर्वाद लेकर एक बार फिर से खेलना शुरू करना चाहते हैं। हालांकि स्थानीय लोगों के सहयोग से अजय गिल को समझा बुझा कर वापस हरियाणा भेज दिया गया। हालांकि वापसी पैदल नहीं, दिल्ली के लिए फ्लाइट से की गई। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें वन इंडिया के साथ।